हिमाचल प्रदेश में बहुत सी झीलें हैं और हर झील का अपना एक रहस्य और महत्व है। ऐसे ही किन्नौर जिला के युला गांव में भी ठंडे पानी की निर्मल झील स्थित है। यहां आसमान छूते पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली किसी का भी दिल मोह लेती है। हर इंसान को अपने आने वाले कल की चिंता रहती है। आने वाला कल अच्छा होगा या बुरा, ये हर कोई जानना चाहता है। कोई भविष्य जानने के लिए ज्योतिष के पास जाता है तो कोई पंडित के पास, लेकिन किन्नौर के युला कांडा गांव में युला झील में लोग अपना भविष्य जानने के लिए आते हैं। यहां झील में लोग अपनी टोपी से अपना भविष्य देखते हैं। मान्यता है कि टोपी कुछ मिनटों में ही लोगों को उसका भविष्य बता देती है। सबसे पहले किन्नौरी टोपी को झील के पानी में फेंकना होता है। टोपी अगर बिना किसी विघ्न के झील के पार हो गई तो समझो आपकी नैया भी पार हो गई। अगर टोपी उलट गई तो आपके लिए ये अशुभ संकेत माना जाता है, लेकिन इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि युला झील के किनारे बने श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर माथा टेकने से टोपी का कहा पलट जाता है। माथा टेकने पर श्री कृष्ण अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। युला कंडा झील लोगों के लिए आस्था का केंद्र भी है। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण अज्ञातवास में पांडवों ने एक ही रात में कर दिया था। पांडवों ने पहाड़ से एक नहर के पानी को मोड़कर इस झील को बनाया था। झील के पानी से पांडव यहां धान की खेती करते थे। पांडवों ने झील के साथ ही श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की थी। ये मूर्ति आज भी यही मौजूद है।